नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों को ऐसे बिजनेस और नौकरी देने के अवसर दे रही है सरकार, आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सरकार ऐसा क्या करने चाह रही है जिससे सैनिकों और जो भूतपूर्व सैनिकों को फ़ायदा होने जा रहा है? तो आज हम अपना वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को बताएंगे क्लियरिटी से। तो जुड़े रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जितने भी नौजाते दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। केंद्र की जो सरकार की तरफ से जो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान घायल होने वाले और शहीद होने वाले सरकारी जो उनके आश्रितों को कई जगह पर नौकरी देती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी करने के बाद रिटायर भी हो जाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से जो नौकरी है और बिजनेस करने के दोनों मौके दिए जाते हैं। तो आपको बता दें, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान घायल हो जाने वाले, शहीद होने वाले जो सरकार उनको आश्रित को कई जगह से नौकरी देती है। इसके अलावा अगर मान लो नौकरी करने के बाद आप रिटायर भी हो जाते हैं तो सरकार उसकी तरफ से जो नौकरी और बिजनेस दोनों के मौके देती हैं। बता दें कि ऐसी जो सुविधा है सभी रैंकों को, जो रैंक के हिसाब से सैनिकों और ऑफिसरों को दी जाती है कि जिसका जितना अच्छा रैंक आता है उस ऑफिसर हो चाहे सैनिक हो, उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाती है। इसके संबंध में जो केंद्र सरकार है उसने भी सूचित किया है कि जो रिटायर होने वाले जो सैनिकों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर नौकरियाँ मिलेंगी, और इस पे बता दें कि जो पुनर्वास है महानिदेशक के विभिन्न संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, कॉरपोरेट घरानों, निजी क्षेत्रों, पैरामिलिट्री जो फोर्स आदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रोज़गार उनकी मांगों के आधार पर भी व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी, तो आई होप आप लोगों को ये बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।